निखिल को सब एरोगेंट एरोगेंट बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को लोग एरोगेंट बोलते हैं। कल का दिन इतना ज्यादा प्यारा था, आई कांट इवन टेल यू गाइस, मतलब आई कांट बिलीव इट कि फाइनली वी अप्लाइड फॉर आवर वेडिंग। मतलब हम बहुत जल्द लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे एंड ऐसा लगता है जैसे कि सपना है, पर इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुई है मुझे कल कि लाइक एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर। मतलब मैं सोच रही थी अपने दिमाग में, यार एक ऐसा टाइम था कि जब मैं निखिल को मिली थी तो आई वाज लाइक यार सिर्फ दोस्त है, हेल्प कर देती हूँ, ऐसे फिर दोस्त बने, फिर बेस्ट फ्रेंड बने, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने और अभी पति पत्नी बनने वाले हैं। टाइम था कि लोग कमेंट सेक्शन में कितना बुरा भला बोलते थे हम लोगों को, बहुत बुरा। तेरे को तो इतना बुरा नहीं बोलते थे, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बुरा बोलते थे। तेरे को बुरा बोलेंगे, मेरे चैनल पे तो बुरा तो मुझे लगे, अभी तो कोई बोल के देखे। थैंक यू, इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसे बोलता है तो निकाल के मारेंगे। पर लेकिन सच में वो बोलते ना, लेकिन सही में हम लोग के केस में वही हुआ है कि लोग बोलते हैं कि व्हेन यू रन बिहाइंड अ पार्टनर यू डोंट फाइंड, और जब आप अपने वर्क पे फोकस करते हो, अपने लाइफ में फोकस करते हो तो ही मिलता है आदमी। मतलब आई वुड हैव नॉट इवन थॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि आई विल मैरी निखिल समडे, एंड निखिल ने भी नहीं सोचा होगा द सेम फॉर मी, है ना निखिल। मैं जब छोटी थी, आई टेल यू वन थिंग, जब मैं छोटी थी आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कौन रहेगा यार, किससे शादी करूंगी मैं, हैंडसम रहेगा, टॉल होगा, मोटा होगा, कैसा दिखेगा, क्या होगा मतलब अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा। सो नाउ आई हैव द आंसर, यू नो, उस बड़े मिस्ट्री का आंसर मिल गया मुझे। निखिल ने सोचा था, एक परिश्ता गाना नहीं देखे क्या, इश्क परस्ती में आज उसमें सोचते रहता है। पर एक्चुअली जोक्स अबाउट, ऐसा भी मुझे आंसर मिल गया ना कि ओके दिस इज माय लाइफ पार्टनर, तो अंदर से जो इतना वो ऐसा फील होता ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड थ्रू लव, हां वही वाली फीलिंग है, बट आई एम सो हैप्पी। तूने व्लॉग नहीं किया? लेकिन मैंने व्लॉग किया एक्चुअली, पर तूने डाल दिया व्लॉग में, छोड़। अच्छा, बिकॉज सेम कंटेंट रिपीट नहीं होना चाहिए ना, करेक्ट ही नहीं। और अभी हमें फाइनली आज घर के लाइट्स ले लिए हैं जो इतने दिन से पेंडिंग था, तो वही लेके जा रहे हैं अभी। Nikhil is deciding if we should go for the normal lights or for the smart lights. Okay with the normal ones too, par main before making the decision I was like main Nikhil se poochti hu, because if he wants smart lights, wo mujhe baad mein bolega why didn't you tell me that it could have been smart, so better you make the decision. To kitna zarurat padegi usko, uske upar hai na, ha no itna lazy thodi banenge, but smart light kaise hota hai, the voice operated bhi rahega. Alexa, सारे घर के लाइट्स मिल गए, इसका कब से हम लोग को इंतजार था। आई थिंक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है हम लोग को 10 दिन से पूछ रहा है कि लाइट लेके आओ, लाइट लेके आओ, लाइट लेके आओ, फाइनली निखिल को आज टाइम मिला, थैंक यू। और ये शानिस का जो कैमरा है ना, जो पता नहीं इसे व्लॉग क्यों नहीं करती है, मैं तोड़ दूं या ले लूं? नहीं, आई एम गोना व्लॉग इन द कार, यू नो लेट्स एक्सपेडाइट द वर्क नाउ, वरना ऐसे ही पड़े रहेगा, बिकॉज निखिल महाशय इज ऑलवेज बिजी। हां अभी कौन आया गाड़ी लेके लाइट लेने के लिए? नहीं नहीं, आई एम अप्रिशिएटिंग इट, आई एम अप्रिशिएटिंग कि तू आया, बट आई एम सेइंग इतना बिजी होता, इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के आया आज, आई एम सो ग्रेटफुल। घर में लाइट्स अच्छे लगेंगे तो निखिल का ये व्लॉग ज्यादा अच्छा बनेगा, तुम्हारे फोटो मस्त निकलेंगे। लाइट से व्लॉग अच्छा नहीं बनता है, और खूबसूरत लगोगे तुम। हां लिट अप होता है, लिट अप लिट अप लिट अप, हाउ मच मैन, कोयला 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 कोयला, तो मैं निखिल को कुआला बेर बोलती हूँ, पता दिखता है मुझे ना वैसा ही, कैसा? हाँ वैसा, बिल्कुल वैसा। आज वो जो गाड़ी रिक्शे से लोग मेरे को देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये आदमी, तुम नहीं जानते मुंबई का निखिल ही है, दैट एरोगेंट गाय यू सी ऑन द इंटरनेट। चलो आगे, बेचारे मेरे निखिल को सब एरोगेंट एरोगेंट बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को लोग एरोगेंट बोलते हैं, पर एक्चुअली एज यू ग्रो अप इन लाइफ ना पता चलता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अच्छे होते हैं, जो भी बोलते हैं प्लीज मुंह पे तो बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं बोलते, स्वीट बनकर, आई लाइक दिस, वैसा ही होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इज बेटर। आई थिंक दैट व्यू इज द बेस्ट व्यू ना, जो व्यू मस्त है यार, व्यू के आगे समंदर है, तुम्हें दिखता है वो जो है और वहाँ पे समंदर है उसके आगे, इसके लिए देख आगे ब्लैंक है पूरा, वो वाला पार्ट, वो वाला पार्ट, पूरे
दिन यू ही काम करके आई एम नाउ गोइंग होम एंड आज गेस हु इज लीविंग मी होम. इतने दिनों से घर पे आता ही नहीं था, मतलब मुझे बोलता है गो अलोन इवन दो ही वांटेड टू कम लीव मी बिकॉज़ ही यूज्ड टू स्लीप अर्ली. लेकिन आज नहीं पता क्या हो गया. नहीं नहीं आई एम आई स्लीप अर्ली इज व्हाट 11 o'clock ओनली बट क्या अभी 12 बजे तक 12:30 बजे तक पहुंच के सो जाऊंगा. अब व्लॉग भी एडिट हो गया मेरा बट मुझे काइंड ऑफ सरप्राइज फील हुआ कि आज मुझे छोड़ नहीं आ रहा है. आज चांद कहां से आया? अरे यार अभी कुछ ही दिन रहे बच्चे जुम्मा जुम्मा. अच्छा यू आर एंजॉयिंग मलाड. आई एम एंजॉयिंग. आई एम गोना ब्रेक अप विद मलाड. आई विल नेवर गो देयर इवन इफ आई गो देयर टू मीट इन द इन लॉज अदरवाइज आई विल आई यूज्ड टू हेट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. doing nothing and you know what I mean, I can't shoot nothing. Kill mujhe bhi kabhi actually aane deta nahi auto se because it doesn't like troubling me. So main samajh sakti hu, main sirf uska case le rahi hu aisa. Aur badi khushi hui mujhe aaj aise chhodne aa raha to because hum aise jab jaate hai na saath mein we can keep talking so much. Yeah, hamare conversation jo kabhi khatam hi nahi hota. Main sochti hu kabhi shaadi ke baad hum itna hi baat karenge kya? हम लोग कभी बंद नहीं करने वाले बात करते. हम क्यों, हमारे पास कितना रहता है बात करने के लिए. कभी मैं सोचती हूँ हाउ डू वी हैव सो मेनी टॉपिक्स टू टॉक अबाउट. मतलब हम काम के बारे में बात कर सकते हैं, खाने के बारे में बात कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, सोशल इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं. निखिल बाकी टाइम तो निखिल ज्ञान देते रहता है चीज़ों के बारे में. सो इट्स लाइक नाइस. बहुत अच्छी बात है. एंड वी हैव आवर ओन पर्सनल टॉक जो हम हमेशा रात में करते हैं दिन खत्म होने के बाद. बहुत जरूरी है. इट्स लाइक मन की बात जरूरी होता है. बट आई एम गोइंग टू मिस दिस पार्ट जहाँ पे तो मुझे स्कूटी पे छोड़ने आता था, ड्यूक में छोड़ने आता था, फिर टाइगर में छोड़ने आता था, BMW में छोड़ने नहीं आया तू और गाड़ी में छोड़ने आ रहा है. सो आई एम गोना मिस ऑल दिस पार्ट. बाद में तो सिर्फ तू मेरे को चलेगा, चल तेरी मम्मी के घर जाते हैं बस उतना ही चलेगा ना. ड्राइवर को बोलूंगा जब लेके जाऊंगा मैं नहीं आऊंगा. मेरी आएंगी आज जिसने जो ये बना था रील कि लड़कियां बदलती है शादी के बाद. लड़के कैसे बदलते शादी से पहले वो देख लो. वो छोड़ने आना तू समझना यार. I am मैं तेरे लिए अच्छा कर करूंगा because you'll get your own space, you know. तू जाएगी अपने. मैं समझती हूँ. I'm taking your case. मेरे को इसका केस लेना बहुत पसंद है. कैमरे के सामने मत दे, लोग कुछ और ही लगेगा कि निखिल बदल गया. मेरे को इसका केस लेना बहुत ज्यादा पसंद है. जो हमारा वीडियो देखते हैं अब तक आपको पता रहेगा कि मुझे निखिल का केस लेना बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे उसको तंग करना बहुत पसंद है. शादी के बाद देखो कितना तंग करती हूँ. आजकल लिटरली मेरा रूटीन बन गया हर सुबह का कि उठो, उसके बाद में वर्कआउट ख़त्म करो, उसके बाद में अपना जो भी काम है सारा वो ख़त्म करो एंड फिर वर्कर से कोऑर्डिनेट करो. मतलब भैया आज क्या काम कर रहे हो, आज क्या करने वाले हो, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा ये सब. बिकॉज मैं एक चीज़ सीखी अपने मॉम से, निखिल की मॉम से, अपने डैड से कि अगर कोई भी घर का काम करवाना होता है रेनोवेशन का या बनवाने का तो आपको वर्कर्स के पीछे लगना पड़ता है, फिजिकली वहाँ पर खड़ा होना होता है, फिर ही टाइम पर काम ख़त्म होगा. वरना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज फिर वो अपना ओन स्वीट टाइम लेंगे. सो वो मैं नहीं चाहती. तभी घर के काम को स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 2 weeks के ऊपर हो गया है एंड सो नाउ आई वॉन्ट द वर्क टू बी लिटिल बिट एक्सपेडाइटेड. तो मैंने कहा निखिल को अब से मैं थोड़ी फ्री होगी तो मैं रोज़ आके पवे में खड़ी रहूँगी, वहाँ पर मैं देखूँगी क्या क्या काम हो रहा है और उनको बोलूँगी थोड़ा चलो भैया और तेज़ी से करो. तो उस तरह से होगा. एंड मी एंड निखिल डिसाइडेड कि हम अभी घर को इतना दिखाएंगे नहीं, काम को दिखाएंगे नहीं, बिकॉज फिर हम लोग बाद में जब होम टूर वीडियो बनाएंगे या हाउस रिवील वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को फिर इतना सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा. एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज घर का जितना भी पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो पूरा मैंने डिज़ाइन किया अपने हाथों से. सो आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम कि हाउ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट. बिकॉज एक चीज़ तो है कि आप अपने दिमाग में जो मतलब इमेजिन करते हो अपनी क्रिएटिविटी से और फिर आप किसी और को बोलते हो तो वो इंसान उसको कैसे इन लाइफ लेके आएगा वो पूरा अलग सीन होता है. और घर के काम को देख के से उम्मीद आ रही कि बहुत अच्छे से मतलब बनने वाला है घर. सो आई एम एक्साइटेड फॉर माई सेल्फ टू सी इट, फॉर निखिल टू सी इट, फॉर आर पेरेंट्स टू सी इट. तो को दिखाने के लिए ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड. कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि सब अच्छे से हो जाए. एंड अभी आई एम जस्ट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो एंड जल्दी से तैयार होकर आई एम गोइंग टू लीव बिकॉज आज निखिल ने बोला ही एज अनदर सरप्राइज प्लान्ड. सो लेट्स सी व्हाट दैट इज़. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप यहाँ पे नए हो. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.